रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आईपीएल में टिकने के लिए कोहली को देनी होगी गुरुवार धोनी को मात। आज पुणे में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कप्तान कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से होगा। अगर आईपीएल में टिकना है तो कोहली की टीम को आज चेन्नई को जरूर हराना होगा। केकेआर से पिछला मैच हारकर चेन्नई की टीम का जहां आत्मविश्वास थोड़ा डिगा हुआ होगा, तो वहीं आरसीबी ने पिछले मैच में मुंबई की टीम को मात दी थी। आरसीबी के लिए ये मैच करो या मरो है। अगर प्लेऑफ में आरसीबी को बने रहना है तो दमदार प्रदर्शन करना ही होगा। पॉइंट टेबल के हिसाब से समझें तो चेन्नई के मुकाबले आरसीबी की हालात काफी पतली है। 8 मैचों में से उन्होंने 5 में हार का सामना किया है, जबकि चेन्नई ने अपने 9 में से 6 मैच जीते हैं। चेन्नई के बल्लेबाज फॉर्म में धोनी की टीम की बात करें तो गेंदबाजी की तुलना में उनकी बल्लेबाजी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। अंबाती रायड्डू, शेन वॉटसन, धोनी, वेन ब्रावो और सुरेश रैना अपने अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। रायड्डू ने अभी तक सर्वाधिक 391 रन बनाए हैं, जबकि धोनी भी लगातार बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि आरसीबी की टीम में कोहली, डिविलियर्स, मैकुलम, मनन वोहरा जैसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कोहली लगातार बल्ले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंदबाजी में पिछड़ी चेन्नई जैसे केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में देखने को मिला कि चेन्नई के बल्लेबाज अच्छा खेले लेकिन गेंदबाजों ने जमकर अपनी भद पिटवाई। शुभमन गिल और दिनेश कार्तिक के आगे उनकी एक न चली। गेंदबाजों की फौज में उनके पास लुंगी एंगडी, केम आसिफ, हरभजन सिंह, वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा और करण शर्मा जैसे गेंदबाज हैं। वहीं आरसीबी के पास टिम साउदी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, यजुवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज हैं। उमेश सब में सबसे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पिन में चहल और सुंदर किसी भी टीम को थामने के लिए पूरी तरह सक्षम है। कौन कितना बढ़िया खेला आरसीबी के लिए, सिर्फ कोहली लगातार अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने 9 मैचों में कुल 449 रन बनाए हैं। वहीं एबी डिविलियर्स ने 6 मैचों में 280 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो उन्होंने 8 मैचों में 201 और ब्रेंडन मैकुलम ने 5 मैचों में 122 रन बनाए हैं। आरसीबी की चिंता का विषय आखिरी ओवरों की गेंदबाजी है। इसमें उसके गेंदबाज महंगे काफी साबित हुए हैं। गेंदबाजी में उमेश यादव ने 11 और युजवेंद्र चहल ने 7 विकेट लिए हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर 4 विकेट लेकर वो कमाल नहीं दिखा पाए हैं जिनकी उनसे अपेक्षाएं की जा रही हैं। यह लेख पत्रकारिता सामग्री नहीं है, इसे भी मीडिया लेखक द्वारा कॉपी रहा।